यहाँ पे मैं बी ब्लेंड के सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी तरीके से ट्यूटोरियल में बताने वाली हूँ कि आपको मंथली कैसे इससे यूज करना है और आपको कितने इजिली आप घर पे जैसे सलोन लाइक हेयर केयर ट्रीटमेंट आपको मिलती है वैसा आप सेम टू सेम घर पे भी पा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आपको एक गुड न्यूज दे दूं, Amazon ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है 6 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक, जहां पे आपको मिनिमम 50% से लेके 80% डिस्काउंट पे टॉप 1500 ब्रांड प्लस पे आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं और साथ में डील विद 4 लाख प्लस स्टाइल। तो चलिए हेयर केयर स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हो मेरे हेयर कितने फ्रीजी हो गए हैं और बहुत ज्यादा रफ डैमेज हो गए हैं, ये देख सकते हो। तो काफी मैंने बहुत दिनों से अच्छे ट्रीटमेंट नहीं लिए, हेयर की केयर नहीं की है, तो ऐसी गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी हेयर ट्रीटमेंट आपको हमेशा लेनी है। 1 मंथ का मैं फुल रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ, तो उसे बिल्कुल फॉलो करके देखना और आपको 110% अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बी ब्लेंड का शैम्पू और यहाँ पे बी ब्लेंड का कंडीशनर लेना है। तो ये जो शैम्पू है बी ब्लेंड का, सलोन लाइक हेयर इंस्टेंट मॉइस्चराइजर शैम्पू है, डीपली नरिशिंग एंड एड शाइन। तो ये आपको क्या करना है, अपने हेयर पे अच्छे तरीके से जैसे आप शैम्पू करते हो उसी तरीके से आपको शैम्पू करना है और अपने पूरे स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करते हुए करना है और फिर अपने हेयर को अच्छे से वॉश करना है। इससे अगर आप शैम्पू कर लोगे उसके बाद आपको कंडीशनर लेना है। ये भी बी ब्लेंड सलोन लाइक हेयर इंस्टेंट मॉइस्चराइजर कंडीशनर है, डीपली नरिश एंड एड शाइन विद जोजोबा एंड वाइटामिन ई। तो आपको लेना है कंडीशनर और अपने रूट को 1 इंच छोड़ते हुए पूरे हेयर पे आपको अप्लाई करना है कंडीशनर को और इसे 5 मिनट तक अपने हेयर पे रहने दें, फिर अच्छे तरीके से अपने हेयर को वॉश कर लें। अभी मैंने अपने हेयर को वॉश भी कर लिया है और कंडीशनर भी अप्लाई कर लिया है। अब क्या करेंगे, 80% तक अपने हेयर को हमें ड्राई करना है। आप ऐसे भी छोड़ दो तो ड्राई हो जाएगा, पर 80% तक ही ड्राई करना है, बाकी हमें थोड़ा सा भीगा हुआ रखना है हेयर को और उसपे ही हम अब नेक्स्ट प्रोसेस करने जाएंगे। यहाँ पे बी ब्लेंड का सलोन लाइक हेयर स्पा किट, ये काफी इजी है करना, तो आप लोग इजिली घर पे कर लोगे और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, यकीन मानिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हो, फर्स्ट स्टेप में हमें मास्क को यूज करना है। ये इंस्टेंट मॉइस्चराइजर हेयर मास्क है, कोई बाउल में पहले अच्छे से इंसर्ट कर लो, उसके बाद अपने हेयर पे अप्लाई करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो हम एक बाउल में इसे ले लेते हैं। तो मास्क हमने ले लिया है और अब क्या करेंगे, हेयर के पार्टीशन करेंगे 2 पार्ट में, देखिए, और छोटे छोटे लेयर पे वर्क करना है, ऐसे एप्लीकेशन हमें करना है। तो मास्क लिया और इस तरीके से अप्लाई किया और अच्छे तरीके से हमें इमल्सिफाई करना है। इस तरीके से इमल्सिफाई किया जाता है जिससे आपके जो मास्क होते हैं वो डीपली आपके हेयर तक जाते हैं और आपके हेयर को काफी ज्यादा नरिशमेंट देते हैं। रफ ने जो आपके बहुत ज्यादा फ्रिजनेस आ रही थी वो कम होने लगती है ऐसा करने से। तो आपको अच्छे तरीके से इस तरीके से इमल्सिफाई करना है हेयर को, जो आप घर पे भी आपको 100% रिजल्ट जैसा आपको सलोन में मिलता है वैसा अगर आप थोड़ा भी टेक्निक यूज करते हो तो आपको घर पे भी वैसा ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो पूरे हेयर पे हमको इसी तरीके से मास्क को अप्लाई करना है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, एक तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और साथ में ये अफोर्डेबल है, तो रीजनेबल है, तो आप इसे बिल्कुल अपने रूटीन में ला सकते हो, अपने डेली लाइफ में इसे ले सकते हो। तो आपको क्या करना है कि आप इसे अभी जब परचेज करोगे, जो अमेजोन पे सेल चल रहा है 6 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक, उसमें आपको भारी डिस्काउंट पे ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, तो आप इसका फायदा जरूर उठाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे प्रोडक्ट्स लिंक शेयर कर दिए हैं, तो वहां भी आप चेक कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। पूरे हेयर पे मैंने एप्लीकेशन कर दिया है, ये देखिए पूरी तरीके से अप्लाई हो गया है। अब इसमें ही आपको देखो सेकंड स्टेप में आपको हीटिंग कैप मिल जाती है, इस हीटिंग कैप को हमें निकालना है और अपने हेयर पे अच्छे तरीके से अपने हेयर को कवर कर लेना है। तो इस तरीके का आपको कवर मिल जाता है और ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर से भरा होता है
और जिसकी वजह से आपको अच्छा नरिशमेंट मिलता है हेयर में और आपकी हेयर काफी ज्यादा सॉफ्ट शाइनी और ग्लॉसी नजर आती है। तो इस हीटिंग मास्क को हमें अपने हेयर पे कैप की तरह अप्लाई करना है। तो ये पूरे हेयर को इस तरीके से मैं कवर कर रही हूँ और इसे अप्लाई करूंगी। ये हेयर स्पा जो आप इजीली घर पे कर सकते हो और आपके जो हेयर होगी ना वो बहुत स्मूथ हो जाएगी इसे करने के बाद, फ्रीज फ्री हो जाएगी और काफी ज्यादा सिल्की सॉफ्ट लगेगी। तो ये आप जब पार्लर में जाकर कराते हो तो काफी महंगे में होता है, पर आप अगर ये घर पे कर रहे हो तो ये सिर्फ आपके 349 में ये हो जाएगा। बट अभी आप डिस्काउंट पे अगर अभी लोगे तो काफी अच्छे डिस्काउंट पे ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। तो इसे हेयर पे इस तरीके से कैप की तरह अप्लाई करके आपको एक हेड मसाज देना है जिससे थोड़ा रिलैक्समेंट मिले। और जो ये हीटिंग कैप है ये काफी गर्म होने लगा था और काफी अच्छा फील हो रहा था, जैसे कि स्टीम ले रहे हो आप। तो यहाँ पे आपको अलग से स्टीम लेने की जरूरत नहीं है, आप स्टीम भी इसके साथ आपको मिल रहा है और साथ में आप उसे मसाज भी दे रहे हो, तो काफी अच्छा लग रहा था और काफी रिलैक्समेंट था। तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो घर पे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी ऐसा करने में। 5 मिनट इस तरीके से मसाज करने के बाद आपको इसे बाहर निकाल देना है और अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लेना है प्लेन वाटर से। आप अगर जल्दी में हो तो ब्लो ड्राई कर सकते हो, नॉर्मल बिल्कुल रखना टेम्परेचर को, और या फिर आप इसे ड्राई यूं ही होने देना, ये अपने आप ड्राई हो जाएगा। पर आप ड्राई के बाद ये रिजल्ट देखना मेरा, आप खुद फर्क देख पाओगे कि पहले मेरे हेयर किस तरीके के थे और इसे करने के बाद बहुत ही इजी स्टेप में करने के बाद मेरे हेयर के क्या कैसे आते हैं आप देख लेना। और आप कोई भी सीरम यहाँ अप्लाई कर सकते हो, मेरे पास बी ब्लेंड का सीरम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था तो मैंने कोई और सीरम यूज़ किया है, तो आप बी ब्लेंड का ही सीरम अप्लाई करना तो ज़्यादा बेटर होगा। जब हेयर आपकी 100% ड्राई हो जाए तो देखिए ऐसा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा आपको खुद भी। और आप वीकली किस तरीके से अपने हेयर का प्रोटेक्शन करने वाले हो वो मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूं। अगर आप वीक में 3 बार अपने बालों को वॉश करते हो तो आपको बी ब्लेंड का शैम्पू यूज करना है और उसके साथ कंडीशनर यूज करना है। और वीकली आपको क्या करना है, मतलब आपने पहले शैम्पू कर लिया और शैम्पू करने के बाद आपको इस मास्क को अपने हेयर पे अच्छे तरीके से इमल्सिफाई करते हुए अप्लाई करना है। और वीकली जब आपने मास्क को अप्लाई किया, मास्क को अप्लाई करने के बाद आपको ये कैप लेना है और इस हीटिंग थर्मल कैप को आपको अपने पूरे हेयर को कवर कर लेना है जिस तरीके से आपने मास्क को अप्लाई किया था और अपने हेयर को कवर किया था हीटिंग कैप से। स्विच को ऑन कर लेना, ये ऑन ऑफ हो जाता है, इससे आप ऑन ऑफ करोगे और अब इससे ये पूरा हीट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये आपके हेयर को काफी अच्छे तरीके से डीपली नरिश करेगा। आपने जो मास्क अप्लाई किया है वो अच्छे से डीपली नरिश करेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक शेयर कर दिए हैं, तो आप जरूर जाकर चेक करना और बाय भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन लेकर। सो टिल देन बाय बाय।